कैसे देखती हैं इस पूरे इंसिडेंट को? जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय कन्नी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगा मेडी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था राजस्थान में। और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की, कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द इनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आप सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसते हो और उनकी किसी की भी हत्या करना, और मतलब कैसे कोई कोई भी इस तरह की प्लानिंग से हुआ है ना, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, ये प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है स्टेट में, इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स खुलेआम घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हत्या कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी क्या? इनको पता नहीं था क्या कि ये सब चीज़ें हो रही? इसका मतलब कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है। और अब तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और मैं तो ये चाहूंगी कि बिल्कुल इस तरह की ये जो घटना हुई है, एक बहुत बड़ी मतलब एक इतना बड़ा धक्का लगा है कि पूरे पूरे राजस्थान को, आज राजस्थान बंद है और सब हर समाज में ये एक बहुत बड़ी, ये सबको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है हर समाज के लिए, वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करते थे, हमेशा अवेलेबल थे, सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है समाज को। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जाना, और इस तरह की घटना कैसे हुई, बहुत बड़ा शॉक है ये। तो अब बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई हो, अरेस्ट अरेस्ट कुछ हुए भी हैं, अरेस्ट के बाद जो कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी कहा जा चाहिए। रहा है थ्रेट्स के बिल्कुल बावजूद सिक्योरिटी कम की गई अशोक गहलोत बिल्कुल, सरकार द्वारा, तो इस तरीके के चीजों को कैसे देखते हैं नहीं कि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिक्योरिटी किसी की आप कम कर सकते हो। जो आपको लेटर भेज रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्होंने टीवी चैनल में भी बोला है कि मेरे को इस तरह की थ्रेट्स मिल रही हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, मतलब क्या है भाई? ये तो बहुत बड़ी एक, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का ये रवैया क्यों रहा, कि गवर्नमेंट को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना कर कर उल्टा सिक्योरिटी कम कर दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कैसे हो। आखिरी सवाल मैम, अशोक गहलोत के ओएसडी का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने सचिन पायलट, जो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उनका फोन टैप किया गया था पिछली बार जब एमएलए को लेकर वो गए थे और उनको फॉलो किया गया था। कैसे देखती हैं इनको? बहुत बड़ा एलिगेशन है, और उन्हीं के ओएसडी जो बहुत करीबी थे उनके, उन्होंने ये बात कही है, तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई तो होगी ही और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। और इस तरह की अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी एक बहुत बड़ा, ये तो पूरा इलीगल काम है, और अगर ऐसा किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा मांग इन्वेस्टिगेशन होनी करेगी। चाहिए। बिल्कुल करेगी करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, छोटी बात नहीं कह रहे हैं, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर कार्रवाई भी होनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।